जी वेलकम बैक नाजिन, आपको ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा से खुश आमदीद कहती हूँ। वही गुल साहब एक जरूरी काम की वजह से जा चुके हैं, वहीं पर मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर आमिर हसन साहब और चौधरी बैतुल रहमान साहब। प्रोग्राम का वक्त भी बहुत थोड़ा रह चुका हुआ है, आपसे पूछना चाहूंगी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत से हल्का अहबाब का ये भी कहना है कि जो पैनामा लीक्स पर जो केस सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने ये सही नहीं किया। आपके भी बहुत से सीनियर रहनुमाओं का यही 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 मौकफ है, क्या कहेंगे आप इस हवाले देखिए, हम चाहते तो यही थे, हमारी तवक्को तो ये थी कि दुनिया के सबसे बड़े मनी स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो स्कैंडल था, इसे सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो लेगी। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि इदारे हमेशा बहुत ठंडे हो जाते हैं जब पीएमएलएन का मामला हो, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन ये 1843 के तहत गए, ये इनका फैसला था, हम समझते थे कि इस पर बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी और जो आज ये फेस कर भी रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हम समझते हैं कि जब एडमिट कर लिया है शरीफ फैमिली ने कि ये फ्लैट्स हमारे हैं, बहुत सी चीज़ें एडमिट हो चुकी हैं, तो अब कोर्ट के लिए मेरे ख्याल से ये फैसला करना बड़ा आसान है। और अगर आपने यूसुफ रजा गिलानी वाला केस देखा हो, जिसमें कुछ भी नहीं था, एक खत लिखना था एक बहुत पुराने मुकदमों के ऊपर, और वो मुकदमे भी यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर नहीं थे, लेकिन उन्हें सिर्फ चंद सेकंड की तोहीन अदालत की सजा के ऊपर प्राइम मिनिस्टरशिप से हाथ धोना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फारिग किया। पीपल्स पार्टी ने फैसले को कबूल किया, लेकिन हमने कहा कि गलत फैसला था। इसी तरह हम समझते हैं कि अदालत आज इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। बहरहाल, अगर पीटीआई मिल के अपोजिशन के साथ हम कानून साजी करते, हमारे आज भी दरवाजे खुले हैं, हम इसी कोशिश के अंदर हैं। अब हमारी मेन लीडरशिप पार्लियामेंट के अंदर आ रही है, हमारी कोशिश है कि हम पीटीआई को साथ में लाएं, दूसरी अपोजिशन पार्टीज को साथ में लाएं, और अब इस मुल्क के अंदर से ये करप्शन के जो सरदार हैं, अब इनका खात्मा होना चाहिए। ये इतने करप्ट हैं हमेशा से, और ये करप्शन करते हैं, इल्जाम दूसरों के ऊपर लगाते हैं और अपनी करप्शन का हिसाब होने नहीं देते। पाकिस्तान को इस वक्त एक मौसर एहतसाबी इदारे की जरूरत है, उससे अब ये हम इन्हें आंखें बंद नहीं करने देंगे। पार्लियामेंट का ये फर्ज है, हम तमाम अपोजिशन पार्टीज मिलकर इस पे एक ऐसा लाया अमल बनाएंगे, और आपको नजर आएगा चंद माह के अंदर कि यह हुकूमत मजबूर होगी, ये बादशाहत नहीं है। ये ना समझें कि हमेशा से ये अपनी मर्जी का खिलाफत या बादशाहत समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, जमहूरी जमातें जब इकट्ठी हो गई, अगर हम 6 महीने पहले इकट्ठे हो जाते, अगर अकेले अकेले फैसले ना करते तो बेहतर था। अब हमें बड़ी उम्मीद है कि हम तमाम अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी होंगी, और ये जो अपने आप को देखें, इनका तो बड़ा, ये बड़े तकब्बुर और गरूर में है। 1998-99 में भी यही इन्होंने ना 2020 प्रोग्राम बना लिया था एहसन इकबाल ने, कि अब 25 साल हमारे हैं। अब भी ये समझते हैं कि अगले 20-25 साल हमारे हैं, ये गए के गए। मैं एज अ पोलिटिकल वर्कर बता रहा हूं कि 2018 के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर शरीफ खानदान का कोई किरदार नहीं रहेगा, और वो ये समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को पैसा पैसा दे के बाहर के मुल्क में भेज दिया है कि तुम पैसा उधर लगाओ, सब कुछ करो, हम भी बस ये आखिरी बारी खेल के आ रहे हैं, और इसके बाद वो उनका सियासत के अंदर कोई किरदार सही उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप लोग इनको बचाने के लिए आगे भी नहीं आएंगे, जैसे बहुत से लोगों ने जमहूरियत को बचाने के लिए आए थे, जमहूरियत को फिर बचाएंगे, शरीफ फैमिली को, खानदान शरीफा की करप्शन को नहीं बचाएंगे। सही जी बैतुल रहमान साहब, आपसे पूछूंगी, जैसे उन्होंने कहा कि जी हमारे दरवाजे खोले और हम अपोजिशन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका साथ देगी, क्योंकि खान साहब के बारे में बहुत से हल्का अहबाब का भी कहना है कि यू टर्न लेने में बहुत मास्टर है, यू टर्न बहुत जल्दी लेते हैं। खान साहब ने कभी कोई यू टर्न नहीं लिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि अगर पनामा के मामले में अगर पीपल्स पार्टी के साथ भी उनको मिलकर चलना पड़े तो वो चलेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, आपका प्रोग्राम भी खत्म होने वाला, लास्ट पे मुख्तसरन के इमरान खान ने क्या किया, आप पूरी कौम को ना 100 लोगों को आप एक बात पूछ लें कि जो मियां बरादरान है, जो शरीफ फैमिली है, जो शहजादे और शहजादी हैं, ये करप्ट हैं या नहीं है, वो आपको कहेंगे कि ये करप्ट है। 99.9% लोग ये कहेंगे कि ये करप्ट है। फिर आप दूसरा सवाल करें क्या इनको सजा होगी या नहीं होगी, तो अनफॉर्चुनेटली लोग कहेंगे कि जी नहीं होगी, ये पकड़े नहीं जाएंगे। अब इमरान खान ने ये जो सारी तरीक, ये कहते हैं ना कि जी सड़कों पर क्यों आए, ये फलां काम क्यों किया, इमरान खान ने लोगों में ये शऊर और ये तालीम कि ये लोग करप्ट हैं, आगे से लोग सोच समझ कर फैसला करें, लोगों ने तो पहले भी इनको वोट नहीं दिए थे, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया था। तो ये जो आप ये ख्वाब देख रहे हैं, जैसा बैरिस्टर साहब ने कहा, ये शर्मिंदा तबीर नहीं होगा अगली गवर्नमेंट का, लोग बच्चा बच्चा जानता है। सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर इनकी फैमिली के बयानात आपस में मिलते होते तो शायद हमारा केस कमजोर पड़ जाता। अब पूरी कौम के बच्चे बच्चे को पता है कि ये करप्ट है, पाकिस्तान का अरबों खरबों का पैसा चोरी करके हमारे टैक्स की कमाई। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका।
जो अवैध रहमान साहब आपको और वहीद गुल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन पनामा केस की हियरिंग्स जो है वो चल रही है, नेक्स्ट फैसला जो है वक्त के साथ साथ पता चलेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेजबान फैजा बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।